अरे उस फकीर से कह दो कि 10 लाख का कोट पहनने से पहले 3 बार सोचता तो इस देश के नौजवानों को 200 रुपए की शर्ट मुहैया हो जाती। बोला नहीं उस फकीर से? और 1.5 लाख का चश्मा की जगह किसी माता बहन की आंख के चश्मे की रोशनी आ जाती। मेरे तो नेता का अपमान करने की कोशिश नहीं, कोई किसी का अपमान नहीं करेगा। इनको तरीके की बातचीत नहीं होनी चाहिए। लुंगी से चूड़ीदार पैजामा तक खोला जाएगा, इतना याद रखिएगा। वेलकम टू हुल्लर मीडिया। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए अब महीने भर का ही समय रह गया है। चुनावी तापमान इस कदर बढ़ चुका है जिसका असर अब चुनावी भाषणों से लेकर टीवी डिबेट में देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने भाजपा और गोदी एंकरों को जबरदस्त बेचैन कर रखा है। 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश भाजपा के नजरिए से अहम है, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठजोड़ ने पूरी भाजपाई खेमे में कोहराम मचा दिया है। सपा प्रवक्ता मनोज यादव से एंकर ने जब सवाल पूछा तो अपने जवाबी हमले से भाजपा प्रवक्ता और भाजपा की किस तरह से हेकरी निकाली, अंत तक इस विस्फोटक डिबेट में जरूर देखेगा। ठीक है, वास्तविक मुद्दों से दोनों युवराज गायब है, दोनों शहजादे गायब है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है मनोज यादव जी, अब जवाब दीजिए। ये मुगालता 800 सीट वाला, और ये तो सही बात है कि लोग तो इस बात को लेकर पूछ रहे हैं कि भाई ये कॉन्फिडेंस तो ठीक है चुनाव में होना चाहिए, कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश भी शायद जाता होगा, लेकिन ये 800 सीट की बात करेंगे तो हो सकता है कि अपने ही लोग ना हंसने लग जाए। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। आईटी सेल के पास और काम ही क्या है? अगर कोई उपमा दी गई है एक नौजवान के द्वारा कहे गए वक्तव्य के बाद, और आपने पिछले 4 दिन से शायद आपके चैनल ने कोई डिबेट तो कराई नहीं है, ना मुझको बुलाया उन डिबेट्स में, कि लीकेज मुख्यमंत्री का लीकेज प्रदेश कैसे नौजवानों के भविष्य को लीक कर रहा है। अगर कराई होती तो आप ये सवाल मुझसे ना पूछते, आप अजय आलोक को घेर रहे होते कि अजय आलोक कैसा लीकेज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बना रखा है जो हर परीक्षा को लीक करवा देता है। तो नौजवानों के अंदर जो इस वक्त गुस्सा है सरकार के खिलाफ, वो गुस्सा मेरे ख्याल से शायद अभी बीजेपी को और आप मीडिया भाइयों को एहसास नहीं हुआ है। होगा राकेश पांडे जी, निश्चित होगा, इसमें दो राय नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, लेकिन अभी कह रहे थे युवराज सहजादे, संविधान में इन शब्दों का कहीं पे है जिक्र क्या? अगर है तो बादशाह जो देश बेच के अंगूर का गुच्छा लेके बैठा खा रहा है उससे पूछो 150 लाख करोड़ रुपए क्या हुए, जो विदेशों से कर्ज लिया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया 150 लाख करोड़, गजब फकीर का बेटा था और गजब फकीरियत रखने वाला देश का प्रधानमंत्री है जो 150 लाख करोड़ रुपए खा गया, और पता नहीं देश के नौजवानों को कि वो पैसा गया गया। और अजय आलोक जी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करिए कि विपक्ष को, आपके प्रधानमंत्री को और आपके नेताओं को कुछ कहने का अवसर न प्रदान करे, और खासकर मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं विषय से विषयांतर होने में 2 मिनट नहीं लगाता, और आप ही के मुद्दे पे मैं आके आपको मारूंगा, इतना याद रखिएगा। जुम करो। जो बोलोगे उसी का जवाब देंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे, चूंकि हमें मालूम है कि आप किस तरीके से विपक्ष को डैमेज करते हो। अरे उस फकीर से कह दो कि 10 लाख का कोट पहनने से पहले 3 बार सोचता तो इस देश के नौजवानों को 200 रुपए की शर्ट मुहैया हो जाती। बोला नहीं उस फकीर से? और 1.5 लाख का चश्मा की जगह किसी माता बहन की आंख के चश्मे की रोशनी आ जाती, लेकिन नहीं बोला। 1.5-2 लाख का पेन लगाने वाला कम से कम इस सारी बातों को समझ लेते तो मुद्दों पे बात करते। खैर, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस राकेश जी पूरी शिद्दत के साथ जनता के बीच में है, और जो आक्रोश पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, वो लखनऊ हो, प्रयागराज हो, मेरठ हो, आगरा हो, हर जगह पे जिस तरीके से जनता ने, नौजवानों ने इस सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस उन नौजवानों के साथ है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और आप हमें डिस्क्रेडिट करके कुछ नहीं पाओगे, जनता आपको डिस्क्रेडिट करने जा रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण है आप झूठे लोग हो, चोर हो, लोकतंत्र के हत्यारे और डकैत हो, क्योंकि आप पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की और जवाब क्या दिया? राहुल गांधी ने तो माफी मांग ली, समाजवादियों से कोई गलती हुई होगी तो हम कानून के सामने खड़े हो गए होंगे, लेकिन आपके प्रधानमंत्री ने पूरे 10 साल जिस तरीके से पैसा इकट्ठा किया पूंजीपतियों से चुनाव लड़ने के लिए, सारी बातों का जवाब पॉलिटिकली अजय आलोक जी देंगे। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी मुख। लेकिन शिद्दत की आपने एक बात कही है तो शिद्दत इतनी थी कि अमेठी में अखिलेश यादव जी को पहुंचना था, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई। नाक जितना रगड़वा सकते थे कांग्रेस को उतना आप लोगों ने रगड़वा दिया, अपनी बात हुई तो चलो अब आगरा में आ जाते हैं। और आगरा में ये भाषा गलत है, ये भाषा गलत है। क्या भाषा गलत है?
ये भाषा गलत है राकेश जी आपकी। क्यों? कोई नाक रगड़ने वाली बात नहीं, दो राजनीतिक बेहतरीन दमदार दलों में ऐसे ही गठबंधन होता है। वो नाक तो ओम प्रकाश राजभर रगड़ रहा है, नाक तो अनुप्रिया पटेल रगड़ रही हैं, नाक तो आरएलडी रगड़ रही है बीजेपी के सामने, संजय निषाद रगड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी। एक चीज बता दीजिए मनोज यादव जी, और राजनीतिक दलों में 2014, 17, 19, 22 इन सब में 80 सीटों पर चुनाव हुआ था ना, नतीजे आपके सामने है। क्यों आप लोगों को लगता है, मैं 20 सेकंड इसके जवाब के लिए आपको दूंगा, क्यों आप लोगों को यह लग रहा है कि 80 नहीं 800 भी तो हरा देते? आपके हिसाब से चलिए एक कहावत मान ले, एक कहने का अंदाज मान ले, इतना कॉन्फिडेंस कहां से? राकेश जी बहुत बेहतरीन सवाल किया, इसके लिए आपको मैं किस तोपों की सलामी के साथ जवाब दे रहा हूं। ना किस तोप की सलामी मत दीजिए, हमें लग रहा था जनता सलामी देती है, राजनेताओं से चुनाव लड़ रहे हैं। रुकिए, हमें लग, अरे रुक जाइए रुक जाइए, वह क्या सीन है, हमें लग रहा था हम साहूकार और राजनेताओं से चुनाव लड़ रहे हैं, अब पता चला ये तो चोर है, लोकतंत्र के हत्यारे हैं, डकैत है, चंडीगढ़ मॉडल लेके चुनाव लड़ते हैं। ये बात विपक्ष को पता चल गई और ईश्वर की दया से चंडीगढ़ मॉडल के बाद देश की जनता को भी पता चल गया कि बैलेट में इतनी बेईमानी तो ईवीएम में कितनी बेईमानी होगी। एक एक वोट का हिसाब अब के लिया जाएगा, चलिए चुनाव नहीं, नहीं, फिर अब आप, आपने अभी से ईवीएम का रोना शुरू कर दिया, अब मैं इस पर सवाल पूछूंगा तो अलग अलग दिशा में डिबेट चली जाएगी। अजय आलोक जवाब दीजिए, नेता है विश्व गुरु है, उसको भी अजय आलोक दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, बदतमीजी और समाजवादी पार्टी दोनों पर्यायवाची बन चुके हैं। ये कहेंगे तुम्हें मारूंगा, तुम्हें आके मारूंगा, अरे तो उत्तर प्रदेश को तो इतने साल मार दिया भाई, अभी और मारने की इच्छा बची है? जनता ने इतने बजा बजा के मारा है चार चार बार, उसके बाद भी रस्सी है कि बल नहीं गया, जल गई लेकिन बल नहीं गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जनता से इतनी बार थपेड़े खाके भी आप नहीं सुन रहे हैं, और अपने आचरण को आप बदलने में बिल्कुल करीब नहीं बदले, क्योंकि आपका चरित्र ही वैसा है, तो आपसे उम्मीद क्या करनी है? आपका चरित्र ही ऐसा है कि आपसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है ना? ईवीएम का रोना, कभी बैलेट का रोना, कभी कुछ का रोना, अरे चुनाव में जीत नहीं सकते हो तो रोना बंद करो भाई। अच्छा है ना, दो लड़के ने जोड़ी बनाई थी 17 में, क्या हुआ था 17 की जोड़ी का? हाथ टूट गया, साइकिल पंचर हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने आपको जीत का आईना दिखा दिया ना, चंडीगढ़ मॉडल पे 5-6 लेके यहां से निकल रहे सुप्रीम कोर्ट, क्या आपको तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था कि आतंकवादियों को छोड़ते हो? आप पत्तियों को ऐसा हवा में उड़ाएंगे कि पार्टी ना कमल रह जाएगा ना उसकी पत्तियां रह जाएंगी। वही चरित्र है आपका, वही चरित्र, चरित्र बदलता नहीं है, चरित्र डीएनए वही है आपका, नहीं बदलेगा। प्लेस ऑफ रेपिस्ट बीजेपी, गुंडागर्दी, बलात्कारी, बलात्कारी है भाजपा, एक से एक बलात्कारियों का अड्डा है भाजपा। आ जाओ, कहां फंस गए? गलती से बेहतरीन राजनीतिक दल का दर्जा भी नहीं मिलने जा रहा है, कोई रेपिस्ट नहीं था आपके दल में, हवा में मत उड़िए, और बलात्कारियों के दल में अखिलेश को बोलिए अपनी सीट बचा लें, बेटियों के साथ बचा लेंगे, भाभी जी के लिए मैनपुरी भी हारोगे, यही हालत रहा ना मैनपुरी भी हारोगे। योगी और मोदी दोनों को नाम लेके सुनाऊंगा म्यूजिक। हाँ, अखिलेश यादव जी बोला करो, अगर तमीज नहीं है तो डिबेट में मत आया करो, वहाँ पे अदालत तमीज नहीं है क्या? अदालतें भी है, किसी राष्ट्र अध्यक्ष को किस तरह बात की जाती है? करिए करिए मानहानि करिए, पढ़े लिखे नहीं हो क्या? बेतुकी आप कर रहे, बदतमीज आप हैं। अरे बिहारियों का क्यों तमीज, एक पैसे की नहीं है, समझे ना, 2% के आदमी है, पढ़े लिखे फालतू 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 करना जानते हैं, फालतू वकील, जिला अदालत में मुकदमा करने लायक नहीं है। धन्यवाद, अपना 2% अपने पास रखना। नहीं, प्लीज प्लीज, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आप दोनों लोग, आप दोनों लोग कहीं के, एक मिनट एक मिनट, ये क्या बात कर रहे हैं? रुकिए मनोज यादव जी, प्लीज राकेश जी, थोड़ा ढंग के प्रवक्ताओं को बुलाया कीजिए, जो नाजुक भी डिबेट कर सके। मैं आप दोनों लोगों को शांत करता हूँ, और आप दोनों लोग, दोनों लोगों से गुजारिश है मेरी, अजय आलोक जी और मनोज यादव जी, आप दोनों लोग सामाजिक प्रवक्ता है, बड़े नेता है, आप लोग कम से कम संयम रखिए, ये 2% वाली बात ये बिहार सरकार की मनोज यादव जी नहीं चला देती है। मैं आगे अपमान करने की कोशिश करेगा, मनोज यादव जी कोई किसी का अपमान नहीं करेगा, आप भी बिहारियों का अपमान नहीं करेंगे, बिहारी कहकर इनको इस तरीके की बातचीत नहीं होनी चाहिए। लुंगी से चूड़ीदार पैजामा तक खोला जाएगा, इतना याद रखिएगा। शाबाश बेटा,
बहुत बढ़िया मुन्ना। तो साथियों, चुनावी पारा अब कहां जाकर रुकेगा, रिजल्ट से पहले पहले तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के नेताओं के बीच जुबानी जंग जमकर चल रहा है। गोदी मीडिया भी टीआरपी के खेल में बाकी चैनलों से टक्कर ले रही है। खबर के नाम पर कुछ भी नहीं है, विपक्ष अपनी लड़ाई अकेले लड़ रही है। मीडिया का साथ सत्ता के गोद में समा चुकी है। इस डिबेट पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।